करने वालों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और निर्माण पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पूर्व सदर की आलिशान कोठी को किया जा रहा जमींदोज, जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद है। पथराव मामले में 40 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई, 150 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ, 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये देखिए, एक भारी भरकम कोठी जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी, इसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो छतरपुर में जिस तरीके से हंगामा बरपा, इस दौरान जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। जिन जिन आरोपियों के अवैध मकान या अवैध संपत्ति पाई जा रही है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो पहले आप देख लीजिए। छतरपुर का ये पूरा मामला है जहां पर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर में आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर, थाने पर पथराव करने के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पूर्व सदर की आलिशान कोठी को जमींदोज किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद है। पथराव मामले में 46 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई, 150 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ है, 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, छतरपुर का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है जहां पर अब पथराव मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन और ये जो अवैध तरीके से कोठी बनाई गई है, इस कोठी को अब जमींदोज किए जाने की प्रक्रिया, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है और अब इस कोठी को धराशायी किया जाना है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आरोपियों के अवैध मकान पर चला बुलडोजर और इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी ताकि कोई भी हंगामा ना हो। जिम्मेदार अधिकारी निगम प्रशासन के मौके पर और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो नामजद आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल छतरपुर में काफी हंगामा हुआ था, पथराव हुआ था और इस दौरान थाने पर पथराव के चलते जो पुलिसकर्मी हैं, आरक्षक थे, वो भी जख्मी हो गए थे। आपको याद होगा सुबह से ही न्यूज 18 लगातार ये खबर चला रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही थी। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और इस दौरान निगम प्रशासनिक अमला भी यहां पर नजर आया है। जो आरोपी उनकी तलाश भी की जा रही, तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 46 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा संख्या में थी, उपद्रवी लोग भी इसमें शामिल थे और तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ मामला, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो जिन जिन लोगों की पहचान हो रही है या जिन जिन लोगों की पहचान हो गई है उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार जो जो लोग शामिल थे उनके पास कौन कौन सी अवैध संपत्तियां हैं। और ये देखिए, अब आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। थाने पर पथराव जिस तरीके से किया गया था, थाने को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, जो वाहन है उसमें भी पथराव किए गए थे और एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया था। 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 46 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, आरोपियों के खिलाफ जो अवैध कब्जा किया गया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जहां पर अवैध निर्माण जो है उसे ध्वस्त किया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कल जो सिटी कोतवाली थाना पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया था, इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट करते हुए पुलिस को निर्देश दिए थे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने देर रात में ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की है। 10 आरोपियों को जो नामजद है FIR में, उनको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया है। बाकी जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपराधियों का मनोबल डाउन करने के लिए, उनके जो हौसले बुलंद है उनको कम करने के लिए, जो अवैध निर्माण है, एक आलीशान कोठी बताई जा पूर्व सदर की, उसको जमींदोज किया जा रहा है। लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कोठी है नरेंद्र, और क्या ये अवैध तरीके से अवैध जगह पर बनाई गई है? और अगर इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं तो वाकई में हैरान करने वाला पूरा मामला है कि अगर ये घटना नहीं होती तो ये अवैध कब्जा तो पता भी नहीं चलता। ऐसे ना जाने कितने ऐसे अवैध कब्जे होंगे आरोपियों के पास, जो कि जबरदस्ती सरकारी जमीन पर इन्होंने करके रखा हुआ है। बिल्कुल, आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से घटना हुई हो, घटना में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। साथ में उनके द्वारा जो बलपूर्वक जो अनैतिक संपत्ति अर्जित की गई है, चाहे वो सरकारी जमीन पर मकान बनाया हो या किसी तरह का कोई भी प्रतिष्ठान स्थापित किया हो, इन सभी की जांच पड़ताल के बाद राजस्व विभाग ने पूरी जांच पड़ताल की है। नगर पालिका ने पूरे मामले में जांच पड़ताल करके पुलिस को अवैध निर्माण का जो होना पाया है, इसमें पुलिस के अधिकारियों ने और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, और कई गाड़ियां जो बुलडोजर है, कई मशीनें चलाई जा रही है। आलीशान जो कोठी है उसको जमींदोज किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो शहर के जो मुस्लिम समाज के पूर्व सदर थे, उनके द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करके सरकारी जमीन पर इस बिल्डिंग को बनाया गया था। जैसा कि टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हो, आलीशान कोठी बनाई गई है, जो लाखों करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है। लेकिन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, पुलिस का साफ संदेश है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नरेंद्र। और ये सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे चुके हैं, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे, और उसके बाद ये सख्त एक्शन लिया गया है जहाँ पर आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। चलिए।